नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। पौड़ी में कोरोना काल जैसे भयावह दौर में जरूरतमंद और असहाय बुजुर्ग लोगों की मदद को स्थानीय व्यापारी और पुलिस प्रशासन मिलकर हाथ बढ़ा रहे हैं और ऐसे जरूरतमंद लोगों के हमराही इस कोरोना दौर में बन रहे हैं। जब कोरोना ने एक बार फिर से गरीब मजबूर लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट एक बार फिर से ला दिया है। दरअसल जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षिका पी रेणुका देवी द्वारा गरीब लोगों की मदद के लिए मिशन कम्युनिटी बास्केट मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत उन लोगों से गरीबों की मदद के लिए सहयोग लिया जा रहा है जो आर्थिक तौर पर सक्षम तो है ही, साथ ही गरीबों की मदद अपने हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का सहयोग लेकर पुलिस राशन किट, मेडिकल सामग्री और हर जरूरी सामान को गरीब असहाय और कोरोना तीमारदारों के घर तक पहुंचा रही है, जिन्हें इस दौर में खासा परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा था। ऐसे लोगों की मदद अब घर घर तक जरूरी सामान पहुंचाकर की जा रही है। थाना सतपुली क्षेत्र में भी अब तक कई लोगों की मदद स्थानीय व्यापारी और सक्षम लोगों की दान के जरिए की जा चुकी है। ऋषिकेश में कोयल घाटी स्थित बड़ी सब्जी मंडी के बाहर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकानों में फल, बारदाना और पान की दुकान शामिल हैं। रात करीब 1 बजे की घटना से मंडी के व्यापारी में हड़कंप मच गया। इस दौरान मंडी त्राहे पर ड्यूटी कर रहे सब इंस्पेक्टर अंतियागी और सहयोगी पुलिसकर्मियों की सूचना पर फायर ब्रिगेड के 2 वाहन मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर लाखों रुपए के माल का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग का रूप कितना विकराल था। थोड़ी और देर होती तो आग दूसरी दुकानों तक पहुंच जाती, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। 11 तारीख से 18 तारीख तक कोविड कर्फ्यू के बदले नियमों में लापरवाही बरतना लोगों को भारी पड़ सकता है। नियमों के उल्लंघन में तत्काल पुलिस से मुकदमा पंजीकृत कर लोगों को थाने की हवा भी खिला सकती है। कुछ यही संदेश ऋषिकेश से लगते हुए क्षेत्र मुनकीरेती पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च कर दिया है। फल, सब्जी और दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। इसके बाद केवल मेडिकल से संबंधित सुविधा लेने वाले लोगों को ही घरों से बाहर निकलने की छूट होगी। यदि बेवजह घूमते हुए पकड़े जाते हैं तो तत्काल कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी। पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, उसकी चेन को तोड़ने के लिए अब नियमों का पालन सख्ती से कराना जरूरी हो गया है। कोतवाली पुलिस लालकुआ ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए ईद को लेकर बैठक बुलाई। ईद के त्यौहार पर 5-5 लोगों को ही मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए बताया गया है। ईद का त्यौहार अपने परिवार के साथ घरों में ही मनाने की अपील की गई है। इसमें मुख्य रूप से दोनों मस्जिदों के सदर और मुस्लिम समुदाय के लोग और सीओ लालकुआ प्रमोद शाह, उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह, लालकुआ कोतवाली प्रभारी संजय कुमार वशिष्ठ और उप निरीक्षक रोहतास सागर आदि ने भाग लिया। कर्फ्यू में अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ अब नैनीताल पुलिस सख्त हो गई है, जिसको देखते हुए कर्फ्यू एक्सप्रेस मोबाइल क्वारंटाइन मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। दरअसल कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वाले लोगों को पकड़कर इस वैन में बिठाया जाएगा, जिसके बाद उनको थाने लाकर उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। एसपी सिटी और उनकी टीम के साथ आज हल्द्वानी के पूरे शहर में मोबाइल क्वारंटाइन वैन घूमी। मोबाइल क्वारंटाइन वैन को शुरू करने के पीछे एक मकसद यही है कि कोतवाल की अन्य गाड़ियों के साथ सड़क पर निकलकर आम जनता को कर्फ्यू के प्रति जागरूक करने का काम भी करेगी। मोबाइल क्वारंटाइन वैन शुरुआत के पहले ही दिन आज हल्द्वानी में 11 लोगों को पकड़कर थाने लाई, जिनकी काउंसलिंग की जा रही है, जिसके बाद कर्फ्यू के उल्लंघन सहित संबंधित धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई कर परिजनों को बुलाया जाएगा और उनके सुपुर्द किया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।